किया है और ये आई थिंक बंद हो जाता है अप्रैल में। ये मुझे एक यूनिक सी बिल्डिंग नज़र आई दुबई में, यूनिक इस सेंस में कि ये पाकिस्तान की, हाँ पाकिस्तान की भी बिल्डिंग लग रही है। साथ साथ आ रही है होता हमारे। ये हम लव लेक पहुँचे हैं फाइनली। लव लेक जिसे अलकुदरा लेक भी कहते हैं, एक और मैन मेड शाहकार है दुबई में। सामने वाटर फाउंटेन भी बना हुआ है, यहाँ पे बहुत सुकून है, यहाँ पे खामोशी। यहाँ पे वॉक भी बना हुआ है पानी पे, तो क्रॉसिंग कर सकते हैं। ये छोटा सा उन्होंने एक विलेज टाइप का एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे सिटिंग एरिया है। ये बहुत ही यूनिक सा इन एडडॉक का गैस स्टेशन नज़र आया है मुझे। ये हॉर्स की जो नाल होती है उसकी तरह एंट्री बनाई है इन्होंने डोर की। ये खुली का तो ओपन है, इनका तो खुला हुआ है। और ये 1200 धर्म का एक इनका जानवर है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दुबई में एक और नए ब्लॉग के साथ आज हम आपको लेके जा रहे हैं लव लेक, जो कि अलकुदरा लेक भी कहलाती है, जहाँ पे हार्ट शेप पे मैन मेड एक लेक बनी हुई है। उसके साथ साथ और भी मुख्तलिफ लेक्स हैं, जिनमें से एक फ्लेमिंगो लेक है और भी दूसरी लेक्स हैं। तो वहाँ जाने के लिए आप शेख मोहम्मद रोड से सीधा जाते हैं और फिर आप अलकुदरा का बोट फॉलो करते हुए अलकुदरा लेक या लव लेक आसानी से जा सकते हैं। तो रहिएगा हमारे साथ इस जर्नी में, मिलते हैं फिर आपसे। ये मुझे एक यूनिक सी बिल्डिंग नज़र आई दुबई में, यूनिक इस सेंस में कि ये पाकिस्तान की, हाँ पाकिस्तान की भी बिल्डिंग लग रही है। और ये अच्छी कम्युनिटी बनी हुई है, ये रेजिडेंशियल है ना। और ये हम आ गए हैं मदीनत अलकुदरा और ये दुबई स्टूडियो सिटी आ गया। ये देखिए आप, सस्टेनेबल सिटी आ गई और ये सारा म्यूडन टू है। बहुत अच्छे घर बने हुए यहाँ पे, मुझे पसंद आए घर यहाँ पे। हाँ क्योंकि अच्छे लगे घर हैं। ये टाउन स्क्वायर आ गया है और यहाँ पे मेरी कज़न रहती है नाजिया, अभी वो जॉब पर होंगी तो देखते हैं इनको, मैं कांटेक्ट करता हूँ कि मॉल ऑफ एमिरेट्स बुला लूँ। ये सारा टाउन स्क्वायर का एरिया है। और ये क्या बना हुआ है, दुबई साइकिलिंग कोर्स है यार। लेकिन ऊपर साइकिल कैसे चलाते होंगे, ऊपर छोटी सी जगह थी। लव लेक से पहले फ्लेमिंगो लेक आती है, तो पहले हम यहाँ पे विजिट करेंगे, उसके बाद लव लेक जाएंगे। बर्थडे शायद साथ साथ आ रही है होता हमारे। ये हम लव लेक पहुंचे हैं फाइनली। और भी बहुत सारी लेक्स थी, तो पहले फ्लेमिंगो लेक और बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है। बर्ड्स, हिरन भी हैं यहाँ पे, रैबिट्स हैं। लग नहीं रहा कि आप दुबई के अंदर, दुनिया ही चेंज हो गई यहाँ के।
ये एंट्रेंस है लव लेक की। लव लेक को दुबई का हिडन जेम्स कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अगर आप दुबई में रह के नेचर को फील करना चाहते हैं तो यहाँ का विजिट ज़रूर करें। नीनो सुना है बनाए माशाल्लाह खुश हो रहे हैं बहुत यहाँ पे अपने कजन्स के साथ भी और जगह की लव लेक जी अच्छा बनाया है और ये सब रियल ग्रास है। सामने वाटर फाउंटेन भी बना हुआ है यहाँ पे और कुछ लोग भी आए हुए हैं। हाँ एहतियात से जाओ बस तो वापस आ रही है एक बारी दोबारा जा रही है और यहाँ पे इजारे मोहब्बत हो रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। छोटा सा उन्होंने एक विलेज टाइप का एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे सिटिंग एरिया है। ओके यहाँ पे भी हार्ट बनाया हुआ है। वापसी का सफर लव लेक से ये बहुत ही यूनिक सा इन एडनॉक का गैस स्टेशन नजर आया है मुझे। क्या बनाया है मैं इन्होंने ज़बरदस्त। आई थिंक ये रेस कोर्स के पास है यहाँ पे ना शायद इसलिए ये थीम दी गई है। ये देखें ये हॉर्स की जो नाल होती है इसकी तरह एंट्री बनाई है इन्होंने डोर की। ऐसा गैस स्टेशन मैंने तो कहीं नहीं देखा। तो कह रहे हैं मैंने पूछा उससे भी यहाँ पे जो काम कर रहे हैं लड़के कह रहे हैं कि ये टूरिस्ट प्लेस है इसलिए हमने ये वाली थीम दी है। अंदर भी देखें ज़बरदस्त है। और ये गैस स्टेशन के साथ ही यहाँ पे फूड ट्रक्स खड़े हुए हैं फिली वालों का भी है तो फिली की चाय है के बाद बिस्किट का ट्रक है और भी खड़े हुए फ्रेश मार्क के निकली का तो ओपन है इनका तो खुला हुआ है और बाकी यहाँ पे बाइक्स मिलती हैं रेंट पे अगर किसी को साइकिलिंग का शौक है। और देखें यहाँ पे एनिमल्स भी नज़र आ गए दुबई में कुर्बानी के। और ये 1200 धर्म का एक इनका जानवर है एक बकरा और ये लोकल प्रोडक्ट है ये वही की नस्ल है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे साथ रहिए इस हमारी जर्नी में।